कि गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए भौरे के गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भौरे के गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये इकरार है। तू इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए भौरे के गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए अब हम लोग बातें कम करेंगे और गाना ज़्यादा गाएंगे, लेकिन एक या दो एनेक्डोट्स आपको सुनाना मैं चाहता हूँ बस, बाकी सिर्फ एक गाने के पीछे दूसरा गाना आ जाएगा। Why राज कपूर यूज्ड मन्ना डेज प्लेबैक फॉर श्री 420 एंड ऑफ कोर्स चोरी चोरी, ये आपको बताऊँ। एक्चुअली राज कपूर हैड नो आइडिया दैट मुकेश वॉज गोइंग टू एक्ट इन अ फिल्म कॉल माशूका। मुकेश ने माशूका फिल्म में हीरो का रोल किया था, उसके साथ गीता बाली थी। एंड व्हेन ही साइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रोड्यूसर सेइंग और रादर एक्सेप्टिंग दैट जब तक माशूका ये जो फिल्म थी ये फिल्म रिलीज नहीं होती तब तक वो दूसरे किसी भी फिल्म में नहीं गाएगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फेल इन लव विद द प्रोड्यूसर, शी वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी, ब्लू ब्लड लेडी, राजकन्या किसी राज्य की, एंड मुकेश वॉज ग्रेट लव विथ हर। ये हुआ कि उसके बाद माशूका रिलीज होने में बहुत देर हो गई, तब तक श्री 420 का काम शुरू था, चोरी चोरी के गाने शुरू थे। एंड राज कपूर वॉन्टेड मुकेश, तो उन्होंने पूछा मुकेश से कि तू गाता क्यों नहीं है, तू आ क्यों नहीं रहा। देन मुकेश रिवील्ड कि मैंने ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। राज कपूर ने बहुत अफेयर्स किए लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी किसी से किया नहीं, बिकॉज ही ऑलवेज केप बिजनेस एंड हिज लव अफेयर्स सेपरेटली, दैट इज द थिंग। दैट इज व्हाई
Mannade came into the picture, he came into the scene, and of course he gave us a few gems. Chori Chori ka ek gana hum aapke samne pesh kar rahe hain. Kaun sa ho sakta hai? Bhigi Bhigi Raat. Ye Raat Bhigi Bhigi. There was always a question asked, Shankar or Jai Kishan में कौन श्रेष्ठ था? Naushad कहते हैं कि Jai Kishan was more creative. OP Nair said Shankar did all the hard work. Hasrat Jaipuri was diplomatic. He said दोनों ही इतने talented थे कि यू ट्यून बनाते थे. And for us, I think whatever work they did together was really great and great for us, and we all loved that. ऐसा ये गाना हम आपके सामने पेश करते हैं, बेहतरीन गाना धीरे धीरे चल चांद. Thank you.
धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। उधर ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं भल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। झुमके चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जानी नजर तुम्हारी। तू झुमके चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जानी नजर तुम्हारी। गुन गुन गूंजे राग आज पवन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो क्या चीज थी मिला के नजर पिला दी, हुआ हुआ से कि हमने नजर छुपा दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर पिला दी, हुआ हुआ से कि हमने नजर छुपा दी। अरे होगी दो दो बात आज मिलन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। धीरे धीरे चल। ओरिएंटल इंश्योरेंस से डीजीएम राममूर्ति साहब आणि आरएम श्रीधर साहेब प्रेक्षकांमध्ये उपस्थित आहेत। मी स्वर्धाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की त्यांना तिथे जाऊन पुष्पगुच्छ द्यावा। दिले शंकर जयकिशन यूज टू गो टू गेलॉर्ड अँड हिज प्लेस देअर वॉज रिझर्व टेबल नंबर 23, बट दॅट वॉज अ प्लेस ऑफ क्रिएशन फॉर हिम। उस टेबल पर बैठकर उन्होंने कभी भी शराब नहीं ली। ही यूज टू ड्रिंक आइदर कोक और फ्रूट जूस, लेकिन वहां बैठकर उन्होंने बहुत सारे ट्यून्स बनाए। रात सुबह 3-4 बजे भी वो म्यूजिशियन को जगाते थे और कहते थे कि मुझे आप अभी यह ट्यून सूझिए, आप जल्दी आओ, हम बैठ के कंपोज करेंगे। ही वॉज सो डेडिकेटेड एट दैट टाइम, एंड ऑफकोर्स ही वॉज अ वेरी हैंडसम मैन, ऑलवेज ड्रेस्ड इन व्हाइट शर्ट एंड व्हाइट पैंट, एंड अ लवर बॉय एज आई टोल्ड यू। ही फेल इन लव विथ पल्लवी, और शायद जो एक गाना उन्होंने कॉम्पोज किया वो पल्लवी के लिए होगा, याल्ला याल्ला दिल ले गई। Thank you.
का मौसम मस्त महीना, चांद गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुँह पे पसीना, याला याला दिल गई, याला याला दिल गई। कोई रंगीला सपन में आकी, एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों पे आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला दे, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। सूरज की पहुँचाया, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद से गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुँह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गई। पण आता ह्याच्यानंतर वन्स मोर नाही, तुम्ही इतक्या जोराने सांगितलं की आता मला वन्स मोर घ्यायलाच पाहिजे। बघा एवढंच आहे, त्यामुळे काय प्रश्न तरफ आग लगी, ऐसी लगी बुझ न सकी, तुम भी जली मैं भी जली, तो गई मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फ तेरी शाम सुहानी, रूप की मलिका प्यार की रानी, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपना नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। अरे बाबा थांबा, आपण प्रोग्राम अख्खा करूया। सगळे स्पॉन्सर्स आहेत ते आपण स्पॉन्सर्सना सांगूया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, LIC, कोको कोला, NKGSB, हावरे, स्वदेशी, या आणि सगळ्या मंडळीत, आणि तुम्ही सुद्धा छानपैकी असेच तिकीट काढून या आणि आपण कार्यक्रम मोठा करू। आत्ता कोणतरी मला म्हणाला की तुमच्या तरुण्याबद्दल, मला एक फक्त तुम्हाला एकच सांगतो की मी तर कॉलेजमध्ये असताना मला असं नेहमी वाटायचं की जब प्यार किसी से होता है नावाचा जो सिनेमा होता, त्या सिनेमातल्या देवानंदप्रमाणे खांबाला टेकून उभं राहावं, मस्तपैकी सूट घालावा आणि आपल्या प्रेयसीला सांगावं
तेरी जुल्फों से रिहाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी। आज प्रॉब्लेम एवढाच आहे, आज माझ्याकडे सूट आहे पण प्रेयसी नाही। हा गोष्ट आहे। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुर्म किया आप खफा हो बैठे, प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मेरा हक था तेरी आंखों की छलक थी मैं पर, मेरा हक था तेरी आंखों की छलक थी मैं पर, चीज अपनी थी पर आई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं। जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। आप मुझे कॉलेज के दिनों में ले गए रियली। उन दिनों म्यूजिक डायरेक्टर्स में कंपटीशन थी, लेकिन हेल्दी कंपटीशन थी और एक दूसरे की तरफ उनका रिस्पेक्ट होता था। आई टेल यू वन और टू एनेक्डोट्स। ओपी नैयर और एस जे यानी शंकर जयकिशन में बिल्कुल दोस्ती नहीं थी, लेकिन शंकर जयकिशन हमेशा कहते थे कि हमें डर सिर्फ ओपी से ही है। वो भूली दास्ता है मदन मोहन का गाना रात को 12 बजे जयकिशन ने सुना और उसी वक्त उन्होंने फोन करके उन्हें कहा कि क्या बढ़िया गाना आपने बनाया है। अमरदीप, आप यू नो अमरदीप का म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र थे। एक गाना उस फिल्म का, देख हमें आवाज ना देना, उसका रिकॉर्डिंग शुरू था और शंकर वहां गए तो शंकर जी ने जैसा वो ट्यून सुना वैसा उन्होंने सी रामचंद्र से कहा कि ट्यून इतनी बढ़िया बन गई है, आई विल यूज दिस ट्यून एंड ही यूज दैट ट्यून इन यहूदी, ये मेरा दीवानापन है। और जब लता जी का तेरा जाना दिल के अरमानों का गाना रिकॉर्ड हो रहा था तब उस वक्त सी रामचंद्र वो रिकॉर्डिंग में मौजूद थे और तब उन्होंने शंकर से कहा कि इसमें वॉयलिन थोड़ा ज्यादा लग रहा है, आप इसमें आलाप क्यों नहीं डालते। ही गेव सम सजेशन, शंकर एक्सेप्टेड दैट सजेशन एंड दैट टोटली चेंज दैट सॉन्ग एंड मेड इट मोर मेलेडियस। वही गाना आपके सामने पेश करेंगी संगीता। जाना
उस पर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। Shailendra and Shankar and Jai Kishan, you know, they were how close they were. और इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक बार बी आर चोपड़ा ने शंकर को कहा कि मैं आपको एक फिल्म देता हूँ, उसके लिए मैं आपको 5 लाख रुपीज दूंगा। 5 लाख वॉज बिग अमाउंट एट दैट टाइम, लेकिन एक ही कंडीशन रहेगी कि गाने साहिर लुधियानवी लिखेगा। He flatly said no. He said only either Hasrat Jaipuri or Shailendra will write those songs. और जब शैलेंद्र ने तीसरी कसम बनाई तब 2 गाने हसरत जयपुरी को दिए गए थे और 2 गाने जयकिशन को भी दिए गए थे कंपोज करने के लिए। उसी फिल्म का एक गाना हम आपके सामने पेश करते हैं, मन्ना डे जी का चलत मुसाफिर। और राणा गाएगा तो क्या मजा ही आएगा। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया दो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजजबा दो कन्या, उड़ बैठी बजजबा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजजबा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया।
चल तुम मुसाफिर हो लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। क्या है आगे क्या है? बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल मुसाफिर हो लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल मुसाफिर हो लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चल मुसाफिर हो लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। पैसे टाकले तर चालतील। हां नाही पूर्वी टाकायचे लोक म्हणून म्हटलं, तुम्हाला माहिती आहे। हां गेले कुठे? हां नाही त्यावेळे, आता त्यावेळेला दांडी टाकायची, आता नोटा टाकायला काही हरकत नाही असं आमचं म्हणणं आहे। आणि टाकू नका, आमच्या हातात द्या, आम्ही त्यांना देतो। म्हणजे लाईक शंकर जयकिशन्स टीम, आय थिंक अजय मदन्स टीम इज ऑल्सो अ ग्रेट टीम, यू विल अप्रिशिएट, प्रॉबेबली बेस्ट इन मुंबई। And I will request Ajay Madan to introduce each and every member of this great team. He is the captain, so he must introduce. Namaskar Mandali. Maja Mitranche Vadakanchi Olkarne Tumi. Tabla Varti Ayat Sandeep Maikar. Dholak Kongo Prasad Malankar. या दोघांनी इतकं उत्कृष्ट वाजवलं रिदममध्ये, आज जान आणली या दोघांनी। पर्कशन्स रवी मोरे, आमची रिदम अरेंजर आणि पायर वाजवत आहेत विजय जाधव, दिनेश भोसले मँडोलिनवरती, निलेशला तुम्ही मोस्टली माझ्या प्रोग्राममध्ये कीबोर्डमध्ये पाहिलायत, पण आज अकॉर्डियनवरती पाहता, उत्कृष्ट अकॉर्डियनिस्ट, म्हणजे तुम्हाला कसली वाद्याची कमी नाही कुठे। विजय तांबे आमचे फ्लूट, आरती गोसावी कीबोर्डवरती, प्रवीण फाटक पहिला कीबोर्ड, साऊंड नितीन आणि अजय ऑपरेट करतायत, आणि ज्यांनी कोरस दिला त्यांची ओळख करून देतो। या गीता, सुचिता, गौतम हा संतोष आणि गौतम यांनी फार फार सुंदर मेहनत करून आज कोरस दिलेला आहे, धन्यवाद। माझी ओळख अजय मदन, नमस्कार। गिटार आणि म्युझिक अरेंज। संगीताच्या बाबतीत अजय आहे तो खऱ्या अर्थाने। जयकिशन डाइड यंग इन 1971 और उनकी आखिरी यात्रा जब गेलॉट के सामने से जा रही थी तब बैंड पर अंदाज का गाना बज रहा था, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसे बातों से क्या घबराना। उसी वक्त शिवाजी पार्क में अजीत वाडेकर के विक्टोरियस टीम की प्रोसेशन शुरू थी। सो 1971 व्हेन वाडेकर्स टीम डिफीटेड इंग्लैंड इन इंग्लैंड, और उनकी जो मोटरकेड शुरू थी वो उसी वक्त शुरू थी। हजारों लोग खुशी से झूम रहे थे, लेकिन मेरे जैसे क्रिकेट और फिल्म फैन या दीवाने कहता हूँ मैं, एक आंख में खुशी के आंसू और दूसरे आंख में गम के आंसू लेकर घूम रहे थे। शंकर लिव्ड टिल 1987, लेकिन जयकिशन के बिना वे अधूरे थे। इन दोज डेज वंस वी शांताराम ऑफर्ड हिम अ फिल्म, एंड वी शांताराम वॉज अ बिग नेम इन फिल्म इंडस्ट्री, एंड बट ओनली कंडीशन दैट ही पुट वॉज कि आपको मेरे राजकमल स्टूडियो में आके गाना सुनाना पड़ेगा, ट्यून बनाने पड़ेगा। ही रिफ्यूज, ही सेड राज कपूर जैसा आदमी हमारे घर आता था तो मैं आपके पास क्यों हूं। ही वॉज वेरी इगोइस्टिक, एब्सोल्युटली यस, बट दैट वॉज ईगो एट राइट प्लेस आई थिंक। ही डाइड इन 1987 एंड फिल्म इंडस्ट्री हार्डली टूक नोटिस ऑफ दिस,
इवन राज कपूर गॉट टू नो दिस नेक्स्ट डे. नोबडी वॉज देअर एट द क्रिमेटोरियम व्हेन ही वॉज टेकन, व्हेन हिज बॉडी वॉज टेकन देअर. दैट इज द सैड पार्ट ऑफ अवर इंडस्ट्री. एंड वी स्टिल चेरिश द ग्रेट सॉन्ग्स ऑफ शंकर एंड जयकिशन बिकॉज वी आर रियल लवर्स ऑफ म्यूजिक एंड रियल लवर ऑफ फिल्म. हम उन्हें कभी भी भुला नहीं पाएंगे. सो वी एंड दिस प्रोग्राम विद पगला कहीं का सिनेमा का ये गाना, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे. इस गाने के साथ ये प्रोग्राम खत्म होता है. आई होप यू एंजॉयड दिस प्रोग्राम, यू एंजॉयड एवरीबडी. या एंड यू शुड कम अगेन इफ यू डू अनदर प्रोग्राम हियर आइदर इन पार्ला और इन बोरिवली और इन दादर और एनीवेयर. थैंक्स अ लॉट. Thanks for coming and appreciating. Thanks a lot. Just एक की कुठलाही कार्यक्रम हा स्पॉन्सरशिवाय होऊ शकत नाही, त्यामुळे काही काही मंडळींबद्दल मला सांगायला पाहिजे. यासर अराफत ग्रुपचे हाजी अराफत शेख, कोको कोला कंपनीचे शिवलकर साहेब, पी एम सी बँकेच्या मेघना गोखले, एल आय सीचे गोपाळ शेलार साहेब, सेंट्रल बँकेचे सतीश मुकटे साहेब, स्टेट बँकेचे हेमंत राजन साहेब, एन के जी एस बँक, हावरे ग्रुप, स्वदेशी ग्रुप आणि न्यू इंडिया इन्शुरन्स, ह्या सगळ्या मंडळींनी मदत केली म्हणून हा इतका चांगला कार्यक्रम आम्ही तुम्हाला देऊ शकलो. पुन्हा पुन्हा या मंडळींनी आम्हाला मदत करावी आणि असेच चांगले कार्यक्रम आमच्याकडून घेऊन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे. जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम पाओगे. हो तुम मुझे वो बहार कभी भी सुनोगे कि तुम मेरे.
गुण